वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर। अगर आप भी अपने वीडियोस को फोन से एडिटिंग करना चाहते हो देन ये वीडियो है स्पेशली आपके लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो पर मैं 5 बेस्ट वीडियो एडिटिंग ऐप लेके आया हूँ जो कि फोन में बहुत ही स्मूथली चलेंगे एंड साथ ही में सारे के सारे फ्री एप्लीकेशन, कोई वाटरमार्क आपको देखने को इसमें नहीं मिलने वाला है और इनकी हेल्प से आप अपने वीडियो को प्रोफेशनली एडिट कर सकते हो। सो कौन सा एप्लीकेशन है, क्या इनमें हमें सारा एडिटिंग टूल देखने को मिलता है या नहीं मिलता है, ये सारा चीज आपको वीडियो में डिटेल में पता चलने वाला है। ओके, और ऑब्वियसली यार इनमें आपको सारा टूल देखने को मिल जाएगा, बेसिक से हर एक टूल मिल जाने वाले। ओके, सो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारा विडमा, इसे आप ओपन करो, कुछ ऐसा इंटरफेस आने वाला है। टिकटिंग को हम स्टार्ट करते तो स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर हमें क्लिक करना होता है, देन उसके बाद हमें अपनी वीडियो को सेलेक्ट आउट करना है। ठीक है, अब जिस वीडियो को आप एडिट करना चाहते उस वाली वीडियो को सिंपली से सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले वीडियो को एडिट करना चाहता हूँ तो वीडियो को सेलेक्ट कर लूंगा एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वीडियो यहाँ पे हमारे देख सकते हो ऐड हो चुके हैं। ठीक है, एडिटिंग करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे टूल्स हैं इसमें। ठीक है, तो हम यार बेसिकली काम वाले चीजों के बारे में बात करेंगे। तो एडिट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने काफी सारे टूल्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आपको यार अपनी वीडियो को थोड़ा बहुत कलर ग्रेड करके अच्छा करना है तो सिंपली सा फिल्टर के ऊपर आप क्लिक करना, काफी सारे फिल्टर है, अच्छे अच्छे वाले भी फिल्टर है। ठीक है, जो पसंद आएगा उसे आप सेलेक्ट करना एंड उसके बाद एडजस्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे भी आपको सारे टूल मिल जाएंगे। इसी के ब्राइटनेस ज्यादा कर सकते बट आपको पता है ब्राइटनेस ज्यादा नहीं करना चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट को हम बढ़ा लेंगे, सैचुरेशन को भी थोड़ा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें सारा चीजें यहाँ पे मिल जाती है तो इन सभी को यूज करके आप यहाँ पे कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। देन उसके बाद हम डन करते ना, उसके बाद हम ये चेकआउट कर लेते हैं कि क्या हमें यहाँ पे इफेक्ट ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। तो हाँ भाई, मिल जाता है, इफेक्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हमारे पास इफेक्ट आ जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो अगर स्पेशली आपको कोई इफेक्ट चाहिए। अगर ग्लिच इफेक्ट चाहिए तो ग्लिच के ऊपर आ जाना, मोशन के ऊपर आप आओगे तो मोशन वाले इफेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, इस टाइप को बहुत सारे आपको यहाँ पे इफेक्ट मिलने वाले हैं, तो जो आपको पसंद आएगा आप उसे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें शेक इफेक्ट चाहिए तो हम पार्टी में आएंगे, यहाँ पे हमें शेक इफेक्ट मिल जा रहा है। ठीक है, उसी तरीके का गोस्ट टाइप का शेक इफेक्ट मिल जा रहा है, ऐसा वाला भी शेक इफेक्ट मिल जा रहा है। ठीक है, तो आपको जो पसंद होगा आप उसे यूज कर सकते हो। अब फ्लैश इफेक्ट की अगर बात की जाए तो आप स्ट्रॉब यहाँ देख सकते हो, इसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मीन्स सारा इफेक्ट ये सब हमें मिल जाते हैं यहाँ पे। अब जो पसंद आएगा उसे हम सिंपली से अप्लाई कर देंगे, देन उसके बाद डन करते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉब इफेक्ट देख सकते हो यहाँ पे हमारा ऐड हो चुका है। सिंपली से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि यार मुझे अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, नाउ इसे हम डन कर लेते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पे ये चेकआउट कर लेते हैं क्या हमें यहाँ पे क्रोमा की मिलता है फिर नहीं। तो अगर स्क्रॉल करोगे आप तो यहाँ पे देख पाओगे कि यार हमें क्रोमा की भी मिल जा रहा है। तो यार सिंपली सा आपको पता होगा क्रोमा की कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से आपको यहाँ पे काफी सारे और भी टूल मिलते हैं, इन सभी को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे भी आपको सारे टूल देखने को मिल जा रहे हैं। तो यार बेसिकली जो हमें ज्यादातर रिक्वायर्ड होती है वो सारे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अब अगर आपको वीडियो में कोई ऑडियो एड करना है तो ऑडियो के ऊपर टैप करके, म्यूजिक के ऊपर क्लिक करके आप ये सब कर सकते हो। जैसे कि अपने लोकल को सेलेक्ट करोगे तो आपके डिवाइस में जितना ऑडियो होगा वो सारे दिखा दिए जाएंगे, जो यूज करना है आप ऐड के ऊपर टैप कर देना, यूज हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके अपनी वीडियो के ऊपर टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, स्टिकर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हो। अब बात रही कि यार कि हम स्लो मोशन कैसे कर सकते हैं, तो स्लो मोशन करना है मान लो या स्टार्टिंग वाले पार्ट में हम स्लो करना चाहते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे, अपनी वीडियो के ऊपर आप टैप करना, स्क्रॉल करोगे तो यहां आपको स्पीड का एक ऑप्शन मिलेगा, स्पीड के ऊपर सिंपली से क्लिक कर देना है, कर्व के ऊपर आना है एंड यहां कस्टम को सेलेक्ट करके अगर आपको स्टार्टिंग को स्लो करना है तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट को नीचे कर देना, अगर कहीं आपको बाद में स्लो करना है तो उस वाले पॉइंट को नीचे कर देना। अगर आप मान लो यार यहां मुझे मिडिल में करना है तो यहां तो पॉइंट नहीं है तो क्या हुआ भाई, ऐड बीट के ऊपर टैप करेंगे, बीट ऐड हो गया, अब इसे नीचे कर देंगे तो स्लो हो जाएगा, अगर ऊपर कर देंगे तो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप यहां पे स्लो मोशन भी कर सकते हो, देख सकते हो यार कितना स्लोली यहां पे आ रहा है। ठीक है, एंड इसी तरीके से आप स्लो मोशन फास्ट मोशन सारा कर सकते हो यहाँ पे। ओके, नाउ सिंपली सा डन करते। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको हर एक टाइप का एडिटिंग करके भी दिखा दिया और सारा टूल हमें यहाँ पे मिल भी जाता है। अब एक्सपोर्ट के ऊपर अगर हम क्लिक करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो यार हम इसे 4K तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो कि काफी चीज है। ठीक है, तो यहाँ से इसे 60fps एंड 4K को सेलेक्ट करके इसे हम एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन में एडिटिंग कर सकते हो, काफी कमाल का एप्लीकेशन है, ट्राई करके जरूर से देखना। तो सेकेंड एप्लीकेशन है हमारा वीवा कट, इसे आप ओपन करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, क्रिएट के ऊपर सिंपली से क्लिक करना है, देन उसके बाद हमें यहाँ पे अपनी वीडियो को सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अब देखो आप अपनी वीडियो को यहाँ पे आराम से सिलेक्ट कर सकते हो, सो सिंपली सा सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है,
तो वीडियो के ऊपर मैं टैप करता हूँ, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो वीडियो हमारी यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी। अब इसमें एडिटिंग करने के लिए ना हमें काफी सारे टूल देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे जो हमें इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में मैं बात करता हूँ। तो इसमें ना एक कमाल का टूल हमें ये मिलता है कि इसमें आप एक क्लिक में आइदर आप HDR इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो या फिर लेंस ब्लर इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। काफी सही वाला चीज है ये, ठीक है। अब कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले थोड़ा सा बेसिक्स वाली एडिटिंग कर लेते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे सेक इफेक्ट या फिर फ्लैश इफेक्ट ऐड करना है तो वीडियो के ऊपर टैप करना, एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे आपको फ्लैश मूव मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर टैप करके काफी सारे आपको यहाँ पे फ्लैश इफेक्ट मिल जाएंगे, जो यूज करना है जितना टाइमिंग में फिक्स करना है उतना आप कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे सेक इफेक्ट अप्लाई करना है तो सेक के ऊपर ट्राई कर टैप करना एंड उसके बाद सेक को क्लिक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका भी ड्यूरेशन को चेकआउट कर सकते हो, मींस सेट करके आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको जो पसंद आता है सेक इफेक्ट या फिर फ्लैश इफेक्ट जो पसंद आता है उसे अप्लाई करके जस्ट डन कर देना। सो इस तरीके से सेक या फिर फ्लैश इफेक्ट अप्लाई किया जा सकता है। स्लो मोशन या फिर कलर ग्रेडिंग करना है तो फिल्टर के ऊपर क्लिक करके आपको पता है कोई फिल्टर सेलेक्ट कर लिया जाता है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको एडजस्ट के ऊपर आके सिंपली से आपको एडजस्ट करना है तो कलर ग्रेडिंग हो जाएगी, ठीक है। अब अगर स्लो मोशन करने तो स्पीड के ऊपर टैप करेंगे, यहां से इसे स्लो करेंगे एंड इसके ऊपर टैप करके ऑप्टिकल फ्लो इंटरपोलेशन को सेलेक्ट करके डन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसे बेसिक चीज है जो कि मैंने आपको यहां पे दिखा दिया। देन उसके बाद मैं आपको यहां पे एडवांस चीज बताता हूं जो कि अभी मैंने दिखाया कि एक क्लिक में हम कैसे HDR इफेक्ट अप्लाई कर सकते या फिर एक क्लिक में हम लेंस ब्लर कैसे अप्लाई कर सकते। सो लेंस ब्लर अप्लाई करने के लिए आपको VFX के ऊपर क्लिक करना होता है एंड यहां पे ब्लर वाले सेक्शन में आना है, ठीक है। देन उसके बाद आपके सामने यहां लेंस ब्लर एंड इसी टाइप का आपको 3-4 और इफेक्ट मिल जाएंगे, जैसे कि ये रेडियल ब्लर मिल जा रहा है, ठीक है। मीडियन वन मिल जा रहा है, मीडियन वन में इस टाइप का लेंस ब्लर आपको मिलेगा। एंड अगर मैं यहाँ पे दूसरा दिखाऊं आपको मीडियन टू, तो देख सकते हो कुछ ऐसा लेंस ब्लर मिलेगा, ठीक है। तो एक क्लिक में लेंस ब्लर भी अप्लाई हो गया। अब बात रहा कि हम एक क्लिक में कैसे इसमें अपना HDR इफेक्ट अप्लाई कर सकते। सो उसे अप्लाई करने के लिए ना आपको क्या करना होगा पता है, सिंपली सा ओवरले के ऊपर टैप करना होगा एंड अपनी वीडियो को फिर से सेलेक्ट करनी होगी। सो अपनी वीडियो को हम सेलेक्ट करते हैं, ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, तो वीडियो ऐड हो चुका है। अब इसे पूरा स्क्रीन में हम अच्छा से एडजस्ट कर लेते हैं। देन उसके बाद इसमें लेंस ब्लर अप्लाई करने के लिए HDR इफेक्ट अप्लाई करने के लिए FX प्लगइन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा, ठीक है, कलर का। कलर के ऊपर आना एंड अनशार्प मास्क 2 को सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसे आप इसे सेलेक्ट करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे HDR इफेक्ट अप्लाई कर दिया गया। ओके, सो इस तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हो अपनी वीडियोज को। एक्सपोर्ट वाले बटन के ऊपर टैप करोगे तो आपको 4K तक सपोर्ट मिलता है, मीन्स आप 4K में अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो इस तरीके से करके आप इस एप्लीकेशन में एडिटिंग कर सकते हो। नाउ थर्ड एप्लीकेशन हमारा GoCut। GoCut को ओपन करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एडिटिंग करने के लिए सिंपली से आपको प्लस वाले बटन के ऊपर टैप करना है, देन उसके बाद आपको अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है। जो वीडियो आप एडिट करना चाहते हो उस वाली वीडियो को सिंपली से आप सिलेक्ट कर लेना। सो मैं इस वाली वीडियो को सेलेक्ट करता हूँ, देन ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं, मीन्स एक्सपोर्ट लिखता है, पता नहीं क्यों एक्सपोर्ट लिखता है, उसको तो इम्पोर्ट लिखना चाहिए था, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको काफी सारे इफेक्ट मिल जाएंगे या फिर यू बोलो टेम्पलेट मिलेगा, ठीक है। जो टेम्पलेट आपको पसंद आता है उस वाला टेम्पलेट को जस्ट आप लॉन्ग प्रेस करके रखो। अब इसमें जो जो एडिटिंग हो रही है ना आप देख सकते हो ऑटोमेटिकली हो रही है, मैं मीन्स यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लॉन्ग प्रेस करके रखा हूँ और यहाँ पे ये वाला इफेक्ट अप्लाई किया। देन उसके बाद आप देख सकते हो इसमें ऑटोमेटिकली इतना कमाल कमाल का हमारा इफेक्ट अप्लाई कर दिया जा रहा है एंड वीडियो को एडिट किया जा रहा है। तो ये फीचर है, काफी कमाल का फीचर है, ठीक है, आप इसे यूज कर सकते हो। फिलहाल तो हम इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसमें आपको आउटलाइन, इमर्सिव, इस टाइप का बहुत टाइप का आपको यहाँ पे इफेक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये स्कैन वाला मिल रहा है, ठीक है, अपने बॉडी को स्कैन कर सकते हो, इस टाइप का बहुत सारे मिल जाते हैं। इनमें से अगर कोई आपको पसंद आता है तो आप इजिली यूज कर सकते हो, सिंपली सा लॉन्ग प्रेस करके रखना, यूज हो जाएगा, ठीक है ना। इसे हम यहाँ पे क्लोज करते, देन उसके बाद आपको स्टीकर मिलता है, तो स्टीकर ऐड करने के लिए स्टीकर के ऊपर क्लिक करना। कोई म्यूजिक ऐड करना है तो म्यूजिक के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप इन डिवाइस के ऊपर आके म्यूजिक को ऐड कर सकते हो, ठीक है। ये सब बहुत ही बेसिक सा चीज है, स्पेशल चीज आपको यहीं यार AI VFX में मिलता था। देन उसके बाद VFX के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सेक इफेक्ट, फ्लैश इफेक्ट ये सब अप्लाई कर सकते हो। यहाँ देख सकते हो ये फ्लैश इफेक्ट है, फ्लैश इफेक्ट अप्लाई हो गया। अगर हमें सेक इफेक्ट अप्लाई करना है तो इसी में हम स्क्रॉल करेंगे, लास्ट में आपको डायनेमिक मिलेगा, यहाँ पे आपको सेक इफेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप सेक इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो। ओके, एंड फ्लैश इफेक्ट वहाँ पे मैंने दिखा दिया, और भी इफेक्ट आपको यहाँ मिल जाते हैं, इन सबको भी यूज कर सकते हो। अब बात रही कि कलर ग्रेडिंग कर सकते हो या फिर नहीं, तो कलर ग्रेडिंग करने के लिए वीडियो के ऊपर टैप करना, यहाँ पे आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, कोई एक फिल्टर आपको सेलेक्ट
सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे एडजस्ट का ऑप्शन मिलता है, एडजस्ट में भी आके आप यहाँ पे कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। देन स्पीड का ऑप्शन मिलता है, तो स्पीड को आप यहाँ पे डिक्रीज करोगे तो स्लो मोशन होगा, इंक्रीज करोगे तो फास्ट मोशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्लो मोशन या फास्ट मोशन करके अपने वीडियो को स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप को आप देख सकते हो, यहाँ पे हमको हर एक टाइप का टूल देखने को मिल जा रहा है जिससे कि हम आराम से एडिटिंग कर सकते हैं, ओके। सो इस टाइप का एडिटिंग आपको करना है, देन HD में एक्सपोर्ट करने के लिए या फिर 4K में यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड इसे जस्ट 60 FPS एंड इसे 4K सेलेक्ट करेंगे एंड एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब बोलोगे भाई इस एप्लीकेशन में क्या स्पेशल था, तो VFX स्पेशल थे यार, काफी कमाल के हमारे पास VFX मिल जाते हैं, ठीक है। आप देख ही सकते थे एक क्लिक में हम आउटलाइन अप्लाई कर पा रहे थे अपनी वीडियो के ऊपर, या फिर एक क्लिक में यहाँ टेम्पलेट जो था वो टेम्पलेट अप्लाई हो जा रहा था, ठीक है। तो मीन्स इस एप्लीकेशन में अगर आपको VFX एडिटिंग करनी तो आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। देख सकते हो यार हमारे बॉडी के ऊपर ये लाइनिंग आ रही, काफी कमाल की लग रही है, ठीक है। ये सब एडिटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। नाउ फोर्थ एप्लीकेशन है हमारा म्यूटो एप्लीकेशन, ठीक है। इसे ओपन करो, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सिंपली से हमें वीडियो एडिटिंग के ऊपर टैप करना है क्योंकि हम वीडियो एडिट करने वाले। देन उसके बाद जो भी वीडियो को आपको एडिट करना है उस वाली वीडियो को सिंपली से सेलेक्ट कर लेना। सो यार वीडियो को सेलेक्ट करना है तो वीडियो के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हर एक वीडियो सिर्फ आएगी, कोई यहाँ पे इमेज नहीं आएगा, तो ईजिली हम सर्च कर सकेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाली वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देते तो वीडियो हमारी एड हो चुकी। अब इसमें एडिटिंग करने के लिए ना बहुत सारी चीजें हमें मिल जाती है, जैसे कि अगर हमें अपने बैकग्राउंड को रिमूव करना है तो वो भी कर सकते हैं, अगर हमें यहाँ पे अपने वीडियो का क्वालिटी इनहेंस करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब ये सब यार स्पेशल फीचर है तो उनके बारे में थोड़ी देर में बताता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेसिक एडिटिंग कैसे करनी। अगर आपको अपनी वीडियोज को दो पार्ट में कट करना है तो यहाँ पे आपको एडिट के ऊपर आना होगा एंड कट के ऊपर क्लिक कर देना, कट हो जाएगा। ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करना है तो प्रेशर बटन के ऊपर टैप करके यहाँ से आप कोई ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट है, कट, ये सब बहुत ज्यादा बेसिक चीज है, आप हर एक में अप्लाई कर सकते हो। मैंने 3 एप्लीकेशन बता दिया, उनमें भी आप अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। तो इस टाइप का इफेक्ट आप इजीली यूज कर सकते हो, ओके। नाउ इसे हम कट करते, देन उसके बाद अगर आपको अपनी वीडियो को स्लो करना है तो स्पीड को ऊपर टैप करना एंड इसे यहाँ से स्लो कर देना, ठीक है। स्लो करने के बाद डन करना। नाउ देख सकते हो हमारी वीडियो स्लो हो चुकी है और बहुत ही स्मूथली हो रही, इसमें कहीं पे भी अटक नहीं रहा है, ठीक है। देन उसके बाद एनिमेशन के ऊपर अगर आप क्लिक करो तो काफी सारे एनिमेशन मिलेंगे, उतने अच्छे वाले नहीं है बट ओवरऑल काफी अच्छा एनिमेशन है, ठीक है। नाउ इसे हम डन करते। देन उसके बाद अपनी वीडियो को क्वालिटी आपको इनहेंस करने के लिए इमेज क्वालिटी का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इसके ऊपर टैप करना एंड ओके करना, यहाँ पे 100% जब तक होगा, ठीक है। और 100% हो जाने के बाद आपका वीडियो का जो क्वालिटी है उसे इंक्रीज कर दिया जाएगा। अब सो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका एंड आप कंपेयर करके देख सकते हो, इधर हमारा नॉर्मल क्वालिटी एंड यहाँ पे क्वालिटी इनहेंस करने के बाद, ठीक है, हर एक पिक्सल यार दिख रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का किया जाता है। अगर आपको अपने वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव करना है तो वीडियो को ऊपर टैप कर लेंगे, स्क्रॉल करेंगे, यहाँ स्मार्ट कटआउट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। इसके ऊपर टैप करके जस्ट यहाँ पे आपको सेकेंड वाले को सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये वाला। इसके ऊपर क्लिक कर दोगे देन इसमें भी आपका प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। ये प्रोसेसिंग जब तक 100 होगा देन उसके बाद आपका वीडियो का बैकग्राउंड रिमूव कर दिया जाएगा। देख सकते हो वीडियो का बैकग्राउंड हमारे रिमूविंग स्टार्ट हो चुका है एंड बैकग्राउंड के ऊपर टैप करके हम अपने बैकग्राउंड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुका है ना, उसके बाद मैं इसे प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो और बिल्कुल परफेक्टली हमारा जो बैकग्राउंड है उसे रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। अब ये बात अलग है कि मैं यहाँ पे कुछ घटिया बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा अच्छा वाला बैकग्राउंड को यूज कर लेना, मीन्स यहाँ से आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, ओके। मेरा बेसिकली ये कहना था और मैं इसे हटा देना चाहता हूँ क्योंकि रियली में यार काफी बेकार लग रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे आपको मैंने हर एक चीज दिखा दिया है, ठीक है। क्वालिटी कैसे इंक्रीज करना है, कलर ग्रेडिंग करना सिर्फ मैंने ही बताया, तो आप देख सकते हो फिल्टर मिल रहा है, टोनिंग मिल रहा है, तो इन दोनों का यूज करके हम कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हैं, ओके। उसके बाद अगर आपको इसको सेव करना है तो सेव वाले बटन के ऊपर टैप करना, देन उसके बाद सिंपली से आप इसे सेव कर सकते हो। सो सेव के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, ये सेव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें भी एडिटिंग कर सकते हो। फिफ्थ एंड लास्ट एप्लीकेशन, और यार मुझे तो सबसे बेस्ट ये एप्लीकेशन लगता है, ठीक है। एक ये और एक म्यूटो, ये दोनों एप्लीकेशन ना काफी कमाल का है, ठीक है। तो दोनों को आप यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो टूल में आपको यहाँ पे काफी सारे चीजें मिल जा रही है, ठीक है। देख सकते हो स्मूथ, स्लो मोशन, वेलोसिटी एडिटिंग, मोशन निंजा, मीन्स इस टाइप को बहुत सारे, ठीक है, ठीक है। अब इसमें एडिटिंग करने के लिए न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर आपको टैप करना है, जो रेशियो आपको सेलेक्ट करने का है, मीन्स आपके वीडियो को जो रेशियो है उसे सेलेक्ट करके क्रिएट कर देना, ठीक है। देन उसके बाद प्लस वाले बटन के ऊपर टैप करके आपको अपनी वीडियो को सेलेक्ट करना है, सो वीडियो वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करते, देन उसके बाद जो वीडियो हम एडिट करना चाहते उस वाली वीडियो को सेलेक्ट कर लेंगे
तो इस वाले वीडियो में देख सकते हो कोई स्लो मोशन नहीं है, तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ। नाउ इसमें स्लो मोशन ना बहुत ही कमाल का होता है, ठीक है। तो कैसे करना है स्लो मोशन, वीडियो के ऊपर आपको क्लिक करना, एडिट के ऊपर क्लिक करना एंड यहाँ पे स्पीड के ऊपर आपको आना होगा। देन कर्व को आपको सेलेक्ट करके जस्ट कस्टम के ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। अब अगर आपको स्टार्टिंग वाला पार्ट को स्लो करना है तो स्टार्टिंग वाले पॉइंट को नीचे कर देना एंड अगर आपको कहीं मिडिल में स्लो करना है तो मिडिल वाले को नीचे कर देना। अब बोलोगे भाई मुझे अगर यहाँ स्लो करना है तो कैसे करूँ, यहाँ तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे बीट ऐड कर देंगे देन उसके बाद इसे नीचे कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से स्लो हो जाएगा। देन उसके बाद ये सब आप कर लो, उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ना वो डन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्टिकल फ्लो को इनेबल करना होगा, ठीक है। इसे इनेबल करना ही करना होगा, देन उसके बाद इसे आपको डन करना है। उसे आप इनेबल करोगे तो कुछ ऐसा आपके सामने प्रोसेसिंग होगा, ठीक है। ये प्रोसेसिंग होगा एंड उसके बाद आपको जो वीडियो होगा ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ स्लो मोशन कर दिया जाता है, ठीक है। मीन्स यार मुझे कोई और एप्लीकेशन मिला ही जो इससे अच्छा स्मूथ स्लो मोशन कर सके। तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, आप देख सकते हो स्टार्टिंग वाले में बिल्कुल अटक नहीं रहा है मेरे भाई, इतना मैंने स्लो कर दिया था बट फिर भी देख सकते हो बिल्कुल अटक नहीं रहा है, हमारे स्मूथ स्लो मोशन हो रहा है, ठीक है। तो बेस्ट एप्लीकेशन है। अब उसके बाद हम इसमें देखते हैं कि शेक इफेक्ट ये सब कैसे अप्लाई करना है। तो इफेक्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे इफेक्ट मिल जाएंगे। स्टार्टिंग में ही यार आप यहाँ देख सकते हो शेक इफेक्ट मिल जाता है, ठीक है। शेक इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो, फ्लैश इफेक्ट भी हमें मिल जा रहा है, रैपिड भी मिल जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का आपको सारा इफेक्ट यहाँ देखने को मिल जाएंगे, बहुत टाइप के इफेक्ट है, इन्हें आप यूज़ करके देख सकते हो, ठीक है। फिलहाल हम डन करते। कलर ग्रेडिंग की बात रही तो कलर ग्रेडिंग करने के लिए इसके ऊपर टैप करेंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। एडजस्ट के ऊपर आके आप इसे कलर ग्रेड कर सकते हो, ठीक है। एच यू सारा मीन्स सारा टूल हमें मिल जाता है, जो आपको कलर ग्रेड करना है वो आप कर लेना, ठीक है। देन उसके बाद इसमें आपको एक और चीज मिलता है क्रोमा की कटआउट, तो कटआउट के ऊपर क्लिक करेंगे, पीपल को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको म्यूटो एप्लीकेशन में करके दिखाया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी मीन्स उसी तरीके से आप अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। सो बेसिकली हमें यहाँ पे हर एक चीज मिल जा रहा है। अब इसे एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट वाले बटन के ऊपर टैप करके 4K तक सपोर्ट करता है एंड उसके बाद इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।